हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल KMIM। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का डिटेल्ड कट ऑफ लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के डिफरेंट प्रोग्राम को इंक्लूड करूँगा और उसके साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊँगा कि 2020 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। आपको जैसा पता होगा कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ऊपर डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा या आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और अगर आपने अभी तक KMIM चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए क्योंकि CUCET से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो KMIM वन स्टॉप सोल्यूशन है। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी कट ऑफ रिलेटेड मैं आगे डिस्कशन करूँगा वो सिलेक्शन लिस्ट यानी अलॉटमेंट लिस्ट के बेसिस पे होगा, और ये जो अलॉटमेंट लिस्ट आप देख रहे हैं ये राउंड टू का अलॉटमेंट लिस्ट है। और मैं आपको बता दूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग को कंडक्ट करता है, सो आगे एक और राउंड होगा सो उसमें कट ऑफ और कम हो सकता है। सो चलिए नीचे देखते हैं कि क्या था कट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज के लिए। सो सबसे पहले MSc लाइफ साइंसेज स्पेशलाइजेशन इन एनिमल साइंसेज का कट ऑफ देखते हैं। सो अगर इसका कट ऑफ देखें तो जनरल का कट ऑफ 63.25 था, OBC का कट ऑफ 61.25 था, EWS का कट ऑफ 56.25 था, SC का कट ऑफ 52 था, ST का कट ऑफ 46.25 था। वहीं MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल का कट ऑफ 48.25 था, OBC का 38.75 था, SC का 30.75 था, EWS का 27 मार्क्स था और ST का 25 मार्क्स था। वहीं अगर बात करें MSc लाइफ साइंसेज स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोबियल साइंसेज और माइक्रोबायोलॉजी का कट ऑफ अगर आप देखें तो जनरल के लिए 61.25 था, OBC के लिए 53.25 था, SC के लिए 46.75 था। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री का कट ऑफ 61.75 था जनरल के लिए, OBC के लिए 51.5 था, EWS के लिए 47.5 था, SC के लिए 41.25 था। वही अगर बात करें MSc केमिस्ट्री का तो MSc केमिस्ट्री में जनरल के लिए 41.75 था कट ऑफ, OBC के लिए 34 मार्क्स था और SC के लिए 25.25 मार्क्स था MSc केमिस्ट्री के लिए। वही अगर बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए तो अप्लाइड केमिस्ट्री में जनरल के लिए 33 मार्क्स था, OBC के लिए 29.7 मार्क्स था, EWS के लिए 17.5 मार्क्स था, SC के लिए 16.75 मार्क्स था। वही अगर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के लिए बात करें तो जनरल का कट ऑफ 15.25 था। यहाँ पे सिर्फ जनरल का कट ऑफ इसलिए दिया हुआ है कि हो सके पिछले राउंड में मींस फर्स्ट राउंड में OBC SC ST का सीट्स फिलअप हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पे OBC SC ST का कट ऑफ नहीं दिया है। वही अगर कंप्यूटेशनल फिजिक्स के लिए देखें तो जनरल के लिए 39.25 था, OBC के लिए 29.75 था और EWS के लिए 36 मार्क्स था कट ऑफ। अब बात करते हैं MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 50.25 था, EWS के लिए 26.25 था। यहाँ पे भी OBC SC ST का कट ऑफ नहीं दिया गया है, सो यहाँ पे भी फर्स्ट राउंड में इनका सीट्स फिलअप हो गया था। इसी तरह MSc मैथमेटिक्स का कट ऑफ देखें तो जनरल के लिए 66.25 था, OBC के लिए 67.5 था, EWS के लिए 62.5 था, SC के लिए 47.75 था, ST के लिए 32.25 था। अब बात करें MSc स्टैटिक्स का तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 25.25 था, वही OBC का कट ऑफ 22.5 था। वही M Pharma फार्मास्यूटिकल साइंसेज मेडिसिनल केमिस्ट्री का कट ऑफ देखें तो जनरल के लिए 41.5 था, OBC के लिए 41.5 था और SC के लिए 35.5 था। वही बात करें M Pharma फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन फार्माकोग्नेसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री तो इसमें जनरल का कट ऑफ 32.75 था और SC का 24.25 था। वही अगर MSc केमिकल साइंसेज इन मेडिसिनल केमिस्ट्री का बात करें तो जनरल के लिए कट ऑफ 18 था, OBC के लिए कट ऑफ 18.25 था, EWS के लिए 14.5 था और SC के लिए 22.5 था, ST के लिए 12.75 था।
अब बात करते हैं एमएससी फिजिक्स के बारे में। सो एमएससी फिजिक्स में जनरल का कट ऑफ 43 मार्क्स था, ओबीसी का कट ऑफ 42.5 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 37.5 था, एससी का कट ऑफ 27.5 मार्क्स था और एसटी का कट ऑफ 29.5 मार्क्स था। अब बात करते हैं प्लांट साइंसेज के बारे में। तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 58.5 था, ओबीसी का कट ऑफ 56.25 था, एसटी का कट ऑफ 45 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 57 मार्क्स था। वहीं एमए एजुकेशन का बात करें तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 21.75 था, एससी का कट ऑफ 32 मार्क्स था और एसटी का कट ऑफ 19 मार्क्स था। वही अगर बात करें एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो जनरल का कटअप यहाँ पे 22.5 मार्क्स था और ओबीसी का कटअप 10.75 मार्क्स था। वही एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल का कटअप 46.5 था, एससी का कटअप 31 मार्क्स था और ओबीसी का कटअप 35.25 मार्क्स था। वही अगर बात करें एमएससी जियोलॉजी का तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 61 मार्क्स था, ओबीसी का कट ऑफ 57.25 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 54.5 था और एससी का कट ऑफ 51 मार्क्स था। वही एमएससी ज्योग्राफी का कट ऑफ देखिएगा तो वहाँ पे जनरल का कट ऑफ 39.25 मार्क्स था, ओबीसी का कट ऑफ 35.5 मार्क्स था, एससी का कट ऑफ 27.75 मार्क्स था और एसटी का कट ऑफ 33.75 मार्क्स था। अब बात करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देखिएगा जनरल का कट ऑफ 39.75 मार्क्स था, ओबीसी का कट ऑफ 27.5 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 35 मार्क्स था, एससी का कट ऑफ 23.75 मार्क्स था और एसटी का कट ऑफ 37.5 मार्क्स था। वही अगर बात करें एमए हिस्ट्री का तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 46.25 मार्क्स था, ओबीसी का कट ऑफ 42.5 मार्क्स था, एससी का कट ऑफ 35 मार्क्स था और एसटी का कट ऑफ 42.25 मार्क्स था। इसी तरह एमएससी लाइफ साइंसेज स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन जेनेटिक्स का अगर कट ऑफ देखें तो जनरल का कट ऑफ 59.5 मार्क्स था, ओबीसी का कट ऑफ 50 था और एससी का कट ऑफ भी 50 था। वही अगर बात करें एमएससी लाइफ साइंसेज स्पेशलाइजेशन इन मॉलिकुलर मेडिसिन तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 56.75 था, ओबीसी का कट ऑफ 48 मार्क्स था और एससी का कट ऑफ 41.5 था। इसी तरह एमए इंग्लिश में अगर देखें तो जनरल का कट ऑफ 43.75 था, ओबीसी का कट ऑफ 39.75 था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 18.75 था और एससी का कट ऑफ 5.25 था। इसी तरह अगर एलएलएम की कट ऑफ के बारे में बात करें तो एलएलएम का कट ऑफ जनरल के लिए 28.75 था, ओबीसी के लिए 25 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस के लिए 13.25 मार्क्स था, एससी के लिए 22.5 मार्क्स था और एसटी के लिए 5 मार्क्स था। अगर बात करें एमए इकोनॉमिक्स का तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 61.25 मार्क्स था, ओबीसी का कट ऑफ 40.75 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 18.75 मार्क्स था और एससी का कट ऑफ 25.5 मार्क्स था। इसी तरह एमए सोशियोलॉजी का अगर बात करें तो जनरल का कट ऑफ 16 मार्क्स था और ओबीसी का कट ऑफ 14 मार्क्स था। वही बात करें एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कट ऑफ के बारे में तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 40.25 था एंड ओबीसी का कट ऑफ 40.50 था। वही अगर बात करें एमकॉम के बारे में तो एमकॉम में जनरल का कट ऑफ 41.25 था एंड ओबीसी का कट ऑफ 40.5 था। वही अगर बात करें अब एमबीए इन एग्री बिजनेस का तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 50 मार्क्स था, ओबीसी का कट ऑफ 45.25 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 31.25 मार्क्स था एंड एससी का कट ऑफ 40.75 मार्क्स था। वही अगर बात करें एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी का तो इसमें जनरल और ओबीसी का कट ऑफ 35.25 मार्क्स था। अब बात करते हैं अपने अंतिम प्रोग्राम के बारे में। सो ये एमए साइकोलॉजी का कट ऑफ देखिएगा तो जनरल के लिए 42 मार्क्स था एंड ओबीसी के लिए 41.25 मार्क्स था। सो गाइज ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए कट ऑफ राउंड 2 के लिए। सो गाइज अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2020। सो गाइज मैंने जो ये कट ऑफ लिस्ट बताया 2019 के लिए ये राउंड 2 के लिए है और कुछ प्रोग्राम्स में सीट वैकेंट रहने पे राउंड 3 भी हुआ था और राउंड 3 में मिनिमम 5-10 मार्क्स तक कट ऑफ डिक्लाइन हुआ था। जैसे किसी प्रोग्राम में अगर 45 मार्क्स राउंड 2 में कट ऑफ था तो राउंड 3 में कट ऑफ उसका 35 मार्क्स हो गया था। सो गाइज
मेरे पास तो राउंड थ्री का कट ऑफ लिस्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए है नहीं, इसीलिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ तो बताऊँ कैसे, क्योंकि राउंड टू पे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता नहीं सकता क्योंकि कट ऑफ तो और डिक्लाइन हुआ था। लेकिन मैं अगर बताऊँ, ये जो कट ऑफ मैंने बताया इससे अगर आपका 10 मार्क्स भी कम है तो आपका चांस अच्छा बनता है, आपका मैक्सिमम चांसेज है कि अगर सीट वैकेंट रहा अगर राउंड थ्री तक तो आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में हो जाएगा। सो गाइज, ये रहा कट ऑफ एनालिसिस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपका जितना भी डाउट होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड, वो क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर KM/M चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।